नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम इंडिकेटर को ऐड कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का ऐप ओपन कर लेना है। मैं इसका जो वेबसाइट है यहाँ से कर रहा हूँ, आप अगर ऐप से कर रहे हो तो ऐप से भी सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखो इंडिकेटर्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। आपको सिंपली इंडिकेटर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है वॉल्यूम, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो वॉल्यूम डेटा, वॉल्यूम ऑसिलेटर, नेट वॉल्यूम, वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वॉल्यूम, तो आपको वॉल्यूम पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर कट कर देना है। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है वॉल्यूम यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो VOL करके आ रहा है और यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो 192.03 के यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो स्क्रीन है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो और जो भी कैंडल हो रहा है उसका वॉल्यूम यहाँ पर शो हो रहा है। तो ऐसे ही आप ट्रेडिंग व्यू में वॉल्यूम इंडिकेटर को ऐड कर सकते हो। वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत ही काम का चीज़ है, यहाँ से आप जान सकते हो कि कैसे कितने लोग बाय कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।